बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो हमारे यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है पिछले 3 दिन से, और काफ़ी इधर घर हैं जो कच्चे बने थे, पहले के ज़माने में बनाए जाते थे, वो घर गिर गए हैं। एक लोगों का घर अभी गिरा था थोड़ी देर पहले, तो दोनों भतीजे और गुड्डी, हम सब लोग सामान वामान थोड़ा 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 सब, मतलब गाँव के बाकी भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हेल्प करी, और सब सामान वामान सब बाहर निकाल के कहीं और शिफ्ट किया। तो अब लोग वो लोग कुछ दिन के लिए कहीं और रहेंगे। तो बारिश ये वाली ना लगातार हो रही है पिछले 3 दिन से, हाँ 3 या 4 दिन हो गए हैं आई थिंक। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जिसकी वजह से सबको असुविधा हो रही है, जाहिर सी बात है। तो कच्चे तो छोड़िए, इस टाइम पर ना पक्के वाले घरों को भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जब जो नीचे की मिट्टी होती है वो धंसने लगती है। तो इस वजह से मैं छत पे आई थी, मैंने सोचा चलो आज की ब्लॉगिंग यहीं से स्टार्ट कर दी जाए, खाना पीना सबका दिखाया जाए। तो चलो भाई, और ये देखो, ये एक इधर तुरई का पेड़ है, ये वो है, इधर बीच में जगह हम लोगों की छूटी हुई है, तो इधर सब पेड़ वेड़ तमाम लगा दिए गए, मतलब क्यारी टाइप की, और एक लैट्रिन बाथरूम बनवाया गया है इधर। ये पेड़ चढ़ रहा है, ये भी लौकी और तुरई का है, तो सब धीरे धीरे सब्जियां घर की हो जाएंगी, अभी नहीं है खैर। तो चलो, हवा बहुत ज़्यादा है। आज मैंने ना ये बड़ा पुराना टी शर्ट है तो इसको पहन लिया, और आज यही पहनूंगी क्योंकि ठंड सी, थोड़ी सी ठंडी लग रही है। तो चलो भाई, जो भी होता है दिखाऊंगी। और मुझे जुकाम हो चुका है, मतलब अभी एकदम अच्छे तरीके से नहीं हुआ लेकिन हो गया है। बताओ भाई ज्ञानू, ए दीक्षित, क्या हो रहा है बताओ? मौज कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। अच्छा, पार्टी हो रही है दिल्ली में। कहाँ हो? दिल्ली में। और ये किसने बनाया मैगी? और ये किसने बनाया मैगी? बाबा ने। कौन से बाबा ने? बूढ़े बाबा ने। बूढ़े बाबा ने। कौन से बाबा ने भैया? बूढ़े बाबा, बूढ़े मम्मी। कौन सी बूढ़ी मम्मी ने? नानी, नानी, नानी जी ने बनाया क्या? मतलब पूरी मौसी। नानी क्या? चलो कैसा बना, चलो दीक्षित बताओ कैसा बना, कैसा बना बताओ? बहुत बढ़िया, बहुत ठीक थी। क्या अच्छा? हम लोग गांजियाबाद में, गांजिया। अच्छा टेस्टी, गांजियाबाद में, गांजियाबाद, गांजिया नहीं गाजियाबाद। अब बात है कि अच्छा है सामने मैं। तो बच्चों के लिए मैगी बनी थी और हम लोगों के लिए पास्ता बन गया। तो आप लोग भी आइए और एंजॉय करिए, और देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना उतना ही अच्छा खाने में भी था। तो इसको मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को, ना ही बनाते ना ही खाते, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बहुत जल्द इसकी रेसिपी शेयर करूँगी और दिखाऊँगी कि कैसे बनाती हूँ मैं। लोग आ गए हैं छत पे,
और ठंड, हाँ चाय पी रहे हैं, और ठंडी बहुत ज्यादा है, और टिक्की भी बनी है, मतलब तैयारी हो गई है, अभी थोड़ी देर बाद बनेगी। तो टिक्की भी बनी, अभी तुरंत पास्ता बना है, पास्ता खा के हम लोग आ गए हैं छत पे। तो हम लोग चाय लेके आए हैं, अभी मयंक आएगा, वो जीरा लेके आएगा, मतलब जो युगल या मयंक कोई भी आएगा, जो चाय के साथ खाई जाती है ना वो वाली। और आज बारिश इतनी ज्यादा हो रही, इतनी ज्यादा, कल से बारिश हो रही है, परसों से, हाँ परसों शाम से शुरू हुआ, बारिश चली आ रही और तीन दिन, और बहुत से लोगों के घर भी गांव में गिरने लग गए। तो ये देखिए, और हवा इतनी तेज चल रही है, क्या पढ़ रहा है, अग्नि की उड़ान, फायर विंग्स, अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम जी की, हाँ, तो अग्नि की उड़ान पढ़ रहा है ये, आजकल बड़ा तल्लीन रहता है, अभी हम और गुड्डी इसको डांट भी रहे थे इसी वजह से, और हवा बहुत तेज चल रही, बहुत पूरा देखो पानी पानी है, पूरा पानी पानी है, सब फोटो खींच रहे हैं, उधर फोटो सेशन चल रहा है, मैं इधर आ गया हूँ। मैंने निकाल लिया है इसमें, और इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें डालूंगी चटनी, क्योंकि चटनी पड़ी भी है इसलिए थोड़ी सी ही डालूंगी, और इतना सा डालूंगी धनिया और जीरा पाउडर भुना हुआ है, इतना सा डालूंगी प्याज, और ये रहा हरा धनिया, थोड़ा सा लेंगे इसमें काला नमक, तो ये रहा काला नमक, और ये भी हो गई है बनके कंप्लीट। तो ये बनके तैयार हो गया है, और अभी लेके चलते हैं बाहर। तो रोटियां ना मैंने अलग प्लेट में रख ली है, और ये हम चारों का है, मेरा, मेरे दोनों भतीजों का और गुड्डी का। तो एक में स्पून रखा है, बाकी में मैंने अभी नहीं रखा है, तो स्पून रखूंगी। और चलो भाई लेके चलते हैं, और आप लोग भी आ जाइए फटाफट से। तो टिक्की के मतलब भी इतना सब नाश्ता हो गया था ना कि किसी का भी खाने का मन नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैंने टिक्की के साथ कुछ पराठे बना दिए थे कि अगर किसी को खाने का मन करे तो वो खा सकता है। तो मैंने नहीं खाया था, मैंने बिल्कुल थोड़ी सी टिक्की ली थी, वो भी मुझे बड़ी ही मुश्किल से अंदर जा रही थी, क्योंकि खाने का मन नहीं था, बहुत ज़्यादा पेट भर गया था, एक के बाद एक, एक के बाद एक कुछ ना कुछ नाश्ता होता ही जा रहा था। तो अभी मैं खा लूँगी, और उधर गुड्डी लोग सब खा रहे थे, तो जिसको एक आधा पराठा खाना था ना, उसने पराठा वराठा ले लिया था, हम मैंने और गुड्डी ने कुछ नहीं लिया, क्योंकि हम दोनों ने बस यही खा लिया, हो गया काम। मेरा तो बड़ा मुश्किल से हो रहा था कि मैं खाऊं ही, लेकिन फिर भी स्वाद तो लेना ही था। तो आज का वीडियो चलो यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी करना,
मैं फिर से अच्छे से वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।